नमस्कार। आज हम जरा कोरोना वायरस की अगर बात करें तो आज रात या शायद कल एक ऐसा आंकड़ा भारत में देखा जाएगा जो हम लोग चाहते थे शायद कभी नहीं देखा जाए। वो है कि भारत में 10 लाख कोरोना वायरस केसेस होंगे। अमेरिका जहां 30 लाख के करीब केसेस है, ब्राजील जहां करीब 20 लाख केसेस है, और फिर भारत, भारत में 10 लाख केसेस होंगे अगले 24 घंटे में। कभी वो आंकड़ा जरूर पार किया जाएगा। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर आप मृत्यु को देखेंगे तो भारत में उतनी मृत्यु नहीं हो रही है जितनी कुछ अन्य देशों में हुई थी। अगर हम मृत्यु के आंकड़े को देखें तो भारत 8वें नंबर पर है। 7 ऐसे देश हैं जहां भारत से ज्यादा मृत्यु हुई है। और ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आप भारत की आबादी को देखें, अगर आप देखें कि 10 लाख लोगों में से कितने लोगों को कोरोना वायरस है, कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई है, तो भारत सबसे ऊपर के 100 देशों में भी भारत का नंबर नहीं आता है। तो अगर आप 10 लाख लोगों को देखें या भारत की आबादी को के बेसिस पर अगर आप एनालाइज करें तो उतने ना तो उतने केसेस हैं ना कितनी मृत्यु हो रही है। पर 10 लाख का जो आंकड़ा भारत में दिखाई देगा अगले 24 घंटे में, ये फिर भी हमको एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर हर दिन 30,000 केसेस होते रहें और अगर जो ग्रोथ रेट है वो 3% के करीब बनी रहे, तो फिर भारत में जो क्राइसिस है वो बढ़ती चली जाएगी। और खासतौर से कुछ ऐसे राज्य हैं जहां काफी ज्यादा कोरोना वायरस देखने को मिल रहा है, उन राज्यों की हम चर्चा करेंगे कल। पर फिलहाल देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। भारत ने गुरुवार को बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामले में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 32,695 नए केस आए, जबकि 606 लोगों की मौत हुई, जिससे देश में कोरोना वायरस से कुल मामले बढ़कर 9,68,876 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 24,915 हो गई है। जाहिर है भारत में अब कोरोना वायरस के कुल मामले एक दो दिन में 10 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। देश में फिलहाल 3,31,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या उम्मीद बंधाती है। देश में अब तक 6,12,000 से अधिक लोग कोरोना को मात देने में कामयाब रहे हैं। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 63.25% है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10% हो गया है, यानी जितने भी सैंपलों की जांच की जा रही है उनमें से 10% मामले फिलहाल पॉजिटिव निकल रहे हैं। देश में अब तक 1,27,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। देश में अब रोजाना 3,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। देश भर में हर दिन तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने हैरान कर देने वाले अनुमान लगाए हैं। IISc ने दावा किया है कि 1 सितंबर तक देश में लगभग 35 लाख केस होंगे, यानी अगले 1.5 महीने में 26 लाख नए केस सामने आ सकते हैं। तो वहीं 1 सितंबर तक भारत में कोरोना के एक्टिव केस करीब 10 लाख हो जाएंगे। अनुमान में ये भी कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में हालात सुधरते भी हैं, तो भी देश में 1 सितंबर तक कोरोना के मरीजों की संख्या 20 लाख पहुंच सकती है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक IISc ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं। उनके मुताबिक 1 नवंबर तक भारत में 1.2 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, जबकि 1 जनवरी तक भारत में इस खतरनाक वायरस से 10 लाख लोगों की जान जा सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बिहार में आज यानी गुरुवार से लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो गया है, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान बंद सेवाएं, बाजार, पार्क और भीड़भाड़ वाले तमाम आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल और मीट मांस की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में जिन्हें छूट दी गई है। हालांकि ई कॉमर्स, बैंक, बीमा संस्थान, केबल, दूरसंचार और IT सेवाओं को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है। इन सब के बीच बिहार सरकार और रेलवे ने साफ किया है कि 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन में स्पेशल ट्रेनों की सर्विस पहले की तरह ही जारी रहेंगी, लेकिन मुसाफिरों को स्टेशन से अपने जाने का इंतजाम खुद ही करना होगा। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीन तैयार करने में 100 से ज्यादा कंपनियां जुटी हैं।
इन सबके बीच ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से अच्छी खबर आई है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक उसके कोविड-19 वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल रहा है। यूनिवर्सिटी को भरोसा है कि सितंबर 2020 तक ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन का उत्पादन एस्ट्राजेनेका करेगी। भारतीयों के लिए खुशी की बात ये है कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस परियोजना में शामिल है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ब्राजील में ह्यूमन ट्रायल में शामिल किए गए वॉलंटियर्स में वैक्सीन ने वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया है जैसा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वैक्सीन के पूरी तरह से सफल होने को लेकर आश्वस्त हैं। पूरी तरह से देश में तैयार निमोनिया के पहले टीके को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। रेगुलेटरी बोर्ड ने स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी के साथ मिलकर न्यूमोकोकल पॉलीस्कराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन के पूरे क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे बाजार में लाने की मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को पुणे की फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये टीका इंट्रामस्कुलर यानी पेशियों में लगाए जाने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि निमोनिया और नवजात शिशु में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के चलते होने वाले निमोनिया में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन के भारत में 3 चरणों में क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले DCGI से अप्रूवल लिया था। कंपनी ने भारत के अलावा गैम्बिया में भी इसका ट्रायल किया है। बिहार में पहले से ही कोरोना और आफत की बारिश से परेशान लोगों को भ्रष्टाचार में डूबे सिस्टम का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बुधवार को गोपालगंज में बना 70 घाट महासेतु तब अचानक भरभराकर गिर पड़ा जब गंडक नदी में बाढ़ आई। चौंकाने वाली बात यह है कि महज 1 महीने पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ था। पुल को 264 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। खुद सीएम नीतीश कुमार ने बीते 16 जून को पटना से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महासेतु का उद्घाटन किया था। अब इस मामले में नीतीश सरकार पर विपक्ष और RJD नेता तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट करते हुए तंज कसा है। तेजस्वी ने लिखा, खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश जी का भ्रष्टाचार कहा तो 264 करोड़ तो सुशासनी मुंह दिखाई है, इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। भारी हंगामे के बाद आखिरकार शिवराज सरकार ने गुना में किसान दंपत्ति के खुदकुशी की कोशिश के मामले में एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने जिले के कलेक्टर और SP को फौरन हटाने और घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जाँच के लिए एक टीम भोपाल से गुना जाएगी। दरअसल मंगलवार को अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने किसान दंपत्ति की सरेआम लाठियों से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद दंपत्ति ने आत्महत्या की कोशिश की। दूसरी तरफ पुलिस की मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। पूर्व CM कमलनाथ ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरा और प्रशासन पर सवाल उठाए। अब मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट में बागी सचिन पायलट गुट द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। पायलट को मिलाकर उनके गुट के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर स्पीकर द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जिसके खिलाफ इस गुट ने राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू होनी थी। सिंगल बेंच में सुनवाई शुरू हुई भी। सचिन पायलट खेमे से मुकुल रोहतगी बतौर वकील पेश हुए तो स्पीकर डॉक्टर CP जोशी की ओर से अभिषेक मनु सिंह। पायलट गुट की ओर से पैरवी कर रहे मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि मामला संवैधानिक है, लिहाजा इसकी सुनवाई डबल बेंच में होनी चाहिए, और ये मामला टल गया। अब राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डबल बेंच तय करेंगे, जिसके बाद सुनवाई होगी। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की ओर से सदन की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर बागी सचिन पायलट समेत 18 विधायकों को नोटिस जारी कर उन्हें 17 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया है। भारत सरकार शुक्रवार से फ्रांस और अमेरिका के साथ एयर बबल सर्विस शुरू कर रही है, यानी शुक्रवार से दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलेंगी। इसके लिए दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जर्मनी और ब्रिटेन के साथ भी ऐसी ही व्यवस्था की जा रही है। पुरी ने कहा कि जब तक इंटरनेशनल सिविल एविएशन कोविड-19 के प्रकोप के पहले वाले फेज में नहीं आता, तब तक बाइलैटरल एयर बबल्स ही इसका विकल्प है। आपको बता दें कि एयर बबल या ट्रैवल बबल दो देशों के बीच हवाई सेवा के लिए खास तौर पर बनाया गया एयर कॉरिडोर होता है। इसमें दोनों देशों के बीच समझौते के तहत हवाई यात्रा को मंजूरी दी जाती है। कोविड-19 के चलते लगे बैन्स के बीच जरूरी शर्तों का ध्यान रखते हुए दो देश आपस में एयर बबल शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी जेल में बंद भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफसर
कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए उन्हें दूसरा काउंसलर एक्सेस दे दिया है। इसके बाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारी वकीलों के साथ विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं। अब भारतीय अधिकारी कुलभूषण की पुनर्विचार याचिका पर हस्ताक्षर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाधव से मुलाकात के लिए पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी हैं। इसमें मुलाकात के दौरान भारतीय अधिकारी और जाधव को अंग्रेजी में बात करनी होगी और पाकिस्तानी अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी थी। महाराष्ट्र में लातूर के एक सरकारी दफ्तर में तोड़फोड़ और नारेबाजी करते ये लोग महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं, जो कृषि विभाग के सह निदेशक के ऑफिस में आए तो थे बीजों की शिकायत लेकर, लेकिन अब उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो गई है। दरअसल इनका आरोप है कि किसानों को जो बीज बांटे गए वो अंकुरित नहीं हो रहे थे और बीजों की गुणवत्ता के सिलसिले में ही ये लोग एप्लीकेशन देने गए थे, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही कागजी कार्रवाई की जगह तोड़फोड़ और नारेबाजी शुरू हो गई। बड़ी बात ये है कि पूरे मामले का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें ये लोग कुर्सियां, शीशे, कंप्यूटर जो हाथ में आया उसे तोड़ते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में शिकायत तो होनी ही थी। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। भारी बारिश के बाद आए बाढ़ से असम राज्य इन दिनों त्रस्त है। बाढ़ की वजह से असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लगभग 90% पानी में डूब गया है। पार्क के अधिकारियों के मुताबिक प्राकृतिक आपदा के बीच 66 जानवरों की डूबने और तेज गाड़ियों की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले राइनो का दुनिया भर में सबसे बड़ा घर है। इस मानसून के मौसम में अब तक 3 एक सिंह वाले राइनो की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 45 जानवर घायल हुए हैं, जबकि पार्क अधिकारी की ओर से अब तक 117 जानवरों का रेस्क्यू किया गया है। ट्विटर पर अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग के बाद कंपनी पर सवालों की बौछार हो गई है। ट्विटर ने बताया कि हैकर्स ने ट्विटर के कर्मचारियों को टारगेट कर इंटरनल टूल एक्सेस किया और फिर हैकिंग की। हालांकि इसके बावजूद कंपनी ने किसी कर्मचारी को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया है। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के माने तो हैकर्स ने एक्सेस लेने के बाद $100,000 कमाए, जो सिर्फ कुछ घंटों में ही हुआ। दरअसल इस हैकिंग से बिल गेट्स, एलन मस्क, बराक ओबामा, उबर और एप्पल जैसे हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट्स हैक हुए, जिसने कंपनी की साख पर काफी चोट पहुंचाई है। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्होंने अपने सोर्सेस से पता लगाया है कि इस घटना को आत्महत्या का रूप देके मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका मानना है कि दुबई में डॉन्स के लिंक्स के साथ बॉलीवुड के दिग्गज इसके पीछे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव के पत्र को संबोधित कर मंत्रालय को भेज दिया है।